कैसा लगा, क्या मोमेंट था वो? बहुत अच्छा मोमेंट था, जिसका इंतजार पूरे भारत के लोग कर रहे थे, नजर टिकाए हुए थे। 5:20 से तो हम लोग यहाँ आ चुके थे, बट लैंडिंग हुआ है 6:04 में। देख सकते हैं कि लाइट इंडिया जो है ये अपोजिट साइड मून के उतरने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया, तो ये और भी ज्यादा प्राउड दक्षिणी ध्रुव पे मतलब पहुंचने वाला ये पहला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ये तो और भी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। लास्ट मोमेंट पे उनके भी आंखों से आंसू ये चीज निकल गई थी कि हाँ, और सही में ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड का फील है, बहुत ही ज्यादा अच्छे गर्व से ऊंचा हो गया था सीना, सीना ऊंचा हो गया ना। और जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। वो सारे साइंटिस्ट जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को सक्सेसफुल किया, उसको एक बार धन्यवाद देना बनता है। बिल्कुल, बहुत दिल से तहे दिल से उनको धन्यवाद करना बनता है कि उन्होंने इस तो आपको चांद मुबारक, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको चांद मुबारक। आप देख सकते हैं कि मैं अभी श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के पास मौजूद हूँ और अंदर में जो है वो चंद्रयान का एक एक सेकंड का जो है वो लाइव चल रहा था। लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि कैसे जो है वो चंद्रयान का जो लैंडिंग है वो स्मूथली हो पाता है या नहीं हो पाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय लाइव में कनेक्टेड थे और देख रहे थे कि कैसे जो है चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचता है। लगातार आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अंदर से देखते हुए निकल रहे हैं, लाइव को देखते हुए निकल रहे हैं, और सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। जैसे ही चंद्रयान ने चांद की धरती को छुआ, वैसे ही यहाँ के लोगों ने जय माता दी और भारत माता की जय का जो है वो जयकारा लगाना शुरू कर दिया। सर बात कीजिएगा मेरे से, कैसा लगा, क्या मोमेंट था वो? बहुत अच्छा मोमेंट था, जिसका इंतजार पूरे भारत के लोग कर रहे थे, नजर टिकाए हुए थे। पूरे भारत के लोग कर रहे थे, पूरा एकदम नजर टिका रखे थे इस दिन का। हाँ। 23 तारीख का बहुत दिन से नजर टिका के रखे हुए थे। 23 तारीख को 5:20 से ऐसा लिखा गया था पेपर में कि आप उपस्थित रहेंगे। हाँ, जिसमें कि 5:20 से तो हम लोग यहाँ आ चुके थे, बट लैंडिंग हुआ है 6:04 में। हाँ। जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है, जो कि सभी भारत माता की जय के नारे से पूरा हॉल गूंज रहा है। लास्ट टाइम में जब ये बोला गया भारत माता की जय और ऐसा कुछ बोला गया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, गर्व से ऊंचा हो गया था सीना, सीना ऊंचा हो गया ना। और जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जब तक मोदी है तब इतना भरोसा है मोदी जी पे? मोदी पे भरोसा है, मोदी है तो सब कुछ है। आप मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे हो, और सामने मोदी जी मतलब जो लाइव में कनेक्ट हुए थे इसरो के साथ, वहाँ पे पूरा एकदम मोदी जी के बारे में पूरा भी जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। एक इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, जिन्होंने भी देखा, जिन्होंने भी लाइव से कनेक्ट हुआ। कैसा लगा जो लैंडिंग, एकदम स्मूथली लैंडिंग हुई? बहुत ही खुशी का मोमेंट था, क्योंकि ये इंडिया जो है ये अपोजिट साइड मून के उतरने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया, तो ये और भी ज्यादा प्राउड दक्षिणी ध्रुव पे मतलब पहुंचने वाला ये पहला फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। हाँ। ये तो और भी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। हम लोग तो पूरे उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि इस बार जो चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था, 3 पूरा अच्छे से सक्सेस होगा। ये और साइंटिस्ट थे, उनकी जो आंखें एकदम इमोशनल हो गए थे लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पे उनके भी आंखों से आंसू ये चीज निकल गई थी कि हाँ, और सही में ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड का फील है, बहुत ही ज्यादा अच्छे खुशी का माहौल है ये चीज। और खासकर ये चीज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई ये मतलब कि आप कहिए कि ऐसा कोई ये किया गया इसरो द्वारा जो लाइव प्रसारण पूरे इंडिया में सब जगह दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को डायरेक्ट किया जा रहा है, यूथ को दिखाया जा रहा है, और अपकमिंग जनरेशन जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेजेबल चीज है, और अपने देश को प्राउड फील करने का ये मोमेंट है। वो सारे साइंटिस्ट जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को सक्सेसफुल किया, उसको एक बार धन्यवाद देना बनता है। बिल्कुल, बहुत दिल से तहे दिल से उनको धन्यवाद करना बनता है कि उन्होंने इस चीज को इंडिया को महसूस कराया, कि इंसान को प्राउड फील करवाया, मतलब कि समझे कि हाँ, वी आर इंडियन एंड वी कैन डू एनीथिंग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और शायद आप भी इमोशनल हो गए होंगे जो लास्ट टाइम में, जो इस पूरे ऑडिटोरियम में था, लेकिन समझिए कि इंडिया के मैक्सिमम लोगों की आंखों में ये चीज देख के आंसू आए होंगे, जिन्होंने भी ये चीज लैंडिंग देखा होगा, क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस हम लोगों ने प्रीवियस में कर चुका था चंद्रयान 2 का जो ये हुआ था। हाँ। क्योंकि एकदम बहुत ही करीब आके हम लोगों से वो चीज मिस हो गया था, और थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम की वजह से, बट हाँ, इस बार जो हुआ बहुत ही खुशी और बहुत ही उम्मीद भी थी, और भारत माता की जय से जो जयकारा लगाए, जो नारा लगाए, वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ा करने वाली चीज, रोंगटे खड़ा करने। और पूरे एक चीज कहिए कि ये आज पूरे इंडिया में ये नारे लग रहे होंगे, हर जगह हर कोने पे ये नारे लग रहे होंगे। अब सोचिए कि यहाँ पे हम इतने दूर हैं और हमें इतनी खुशी है, तो वहाँ के साइंटिस्ट जो जिन्होंने इतना ज्यादा मेहनत किया था इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाने में, वो कितने खुश होंगे। सबकी आंखों में आंसू थे, सब इमोशनल हो रहे थे, और अंदर में गूंज रहा था भारत माता की जय, और इसके साथ ही गूंज रहा था कि भाई हमारे मोदी जी ने और हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने कितना बढ़िया एक मिशन जो क्रिएट किया, और सक्सेसफुल होके हम चांद पर पहुंच चुके हैं। तो आपको चांद मुबारक, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको चांद मुबारक। अब जो इंडिया है वो चांद तक पहुंच गया है, और हमारा जो विस्तार है वो चांद तक हो गया है।